आप देख रहे हैं अपना समाचार। सब्जेक्ट सुनाया हमारे प्रोड्यूसर साहब, और जब सब्जेक्ट सुना तो ओवरऑल बहुत ही दिलचस्प लगा। ख़ास तौर से मेरा कैरेक्टर था कि इसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो आज के ज़माने में बहुत लोगों को दिलचस्प लगेंगी, जैसे कि जो इसकी मर्डर मिस्ट्री है। ख़ासतौर से मैं जो एक लड़की से प्यार करता हूँ वो रिश्ते में मेरी बहन, ये सबसे मेन चीज़ थी। और ये ऐसा सब्जेक्ट करना और उसके बाद उसको जस्टिफाई करना, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प था और बहुत मज़ा आया शूट करके। और अब आप लोगों के सामने है फिल्म, और देखिए और बताइए। अभी आपने कहा कि रिश्ते में बहन जैसे लगती है जी, लेकिन पिक्चर में तो दोनों के पेरेंट्स एक ही दिखाए हैं, तो तुम्हारी बहन ही हुई, तो एक बहन के साथ में हिंदुस्तानी लड़का कैसे प्यार कर सकता है? नहीं, यही इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कि वो बहन है लेकिन किस रूप में, वो अभी कह दूंगा तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे जो हिंदुस्तानी दर्शक है वो ऐसे रिश्तों को भले मुँह से भी माने लेकिन पर्दे पे कबूल नहीं करते? इसको एक हिंदी में बहुत MCBC गाली माना जाता है। जी नहीं, इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि एक बार आप ये फिल्म देखेंगे तो आप जस्टिफाई करेंगे कि मैंने ये रोल करके सही किया या गलत। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पिक्चर के हाईलाइट क्या है, सब्जेक्ट, डायरेक्शन या आपकी एक्टिंग? सब्जेक्ट सेकेंडरी आती है एक्टिंग, कि आपको करने के लिए एक कैरेक्टर में बहुत कुछ मिले, ये सबसे ज़रूरी होता है, और इसमें काफ़ी कुछ मिला। इस फिल्म के अलावा कौन कौन से फिल्में कर रहे हैं? अभी मैं कन्नड़ा 2 फिल्में कर रहा हूँ, जिसमें मेरी ऑलरेडी एक रिलीज़ हुई है और काफ़ी हिट हुई है, क्रेजी बॉय। उसमें मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया, मेन नेगेटिव, तो काफ़ी अच्छी गई है वो फिल्म। और अभी 2 फिल्में और साइन की हैं कन्नड़ा, और हिंदी के भी बहुत फिल्म जिनकी बातें चल रही हैं। इस फिल्म में कोई स्टार कास्ट नहीं है, क्राउड पुलर, यू थिंक सो के ऑडियंस उसको देखने आएगी? देखिए, आज के ज़माने में सब्जेक्ट अपने आप में ही क्राउड पुलर होता है। सब्जेक्ट अच्छा है तो क्राउड पुल होगा, वरना स्टार कास्ट भी कुछ नहीं करता है। इसके अलावा कौन से फिल्म कर रहे हैं जो आपके आने वाले हो हिंदी में? हिंदी में मेरी 2-3 चीज़ें चल रही हैं, वो अभी आपको जल्दी डिस्क्लोज करूँगा, अभी इस वक्त नहीं बता सकता लेकिन डिस्क्लोज करूँगा। आपके डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मिस्टर प्रयास के बारे में? हाउ इज द डायरेक्टर? सबसे पहली बात तो कि वो बहुत ही दिलचस्प हैं, बहुत ही नेक इंसान है, उनके साथ काम करके एक घर जैसा वातावरण मिला, और उनके बिहेवियर से हर कोई बहुत खुश था, और ऐसा जब माहौल होता है तो वो चीज़ें अपने आप बढ़ती आती हैं। और आपकी हीरोइन तो अच्छी थी और उसने काफ़ी अच्छा काम किया। नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक नए विषय को हमने छुआ है, एक आरुषि हत्याकांड और सीना वोरा हत्याकांड को मिलाकर कोई कहानी अभी तक नहीं बनी थी एक ही फिल्म में, उसे हमने उठाया है, और इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतनी खूबसूरत फिल्म बनी है, पूरा कोर्ट का ड्रामा है बेसिकली, लेकिन इस कदर उसको लोगों ने पसंद किया है, जितने भी लोगों ने आज तक देखा है, समीक्षकों ने देखा है, कि एक यादें लेकर वो अपने साथ लौटते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द मूवी? इसका डायरेक्शन अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, या स्टार कास्ट अच्छी है? नहीं, स्टार कास्ट तो अपनी जगह है ही, जो दोनों पैर हैं, जो दोनों हैं पैर के रूप में, मनोज हैं या करिश्मा हैं,
दोनों ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा रोल किया है, दोनों गाने इनके ऊपर पिक्चराइज किए गए हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एक कोर्ट का ड्रामा है, स्पेशल ढंग से उसको कोर्ट के ड्रामे को प्रस्तुत किया गया है, ये इसका हाईलाइट पॉइंट है। लेकिन हिंदी जगत में सिल्वर स्क्रीन पे पहली बार एक रिश्ते को एज ए राइटर एज ए डायरेक्टर आपने कलंकित करने की भरपूर कोशिश की है कि भाई बहन को प्रेग्नेंट करते हुए दिखाया हुआ है, ये बात जस्टिक भाई कैसे करोगे फिल्म? नहीं सर, ऐसा है कि फिल्म देखने वालों को पता है कि पहली बात तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसने झूठ बोला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि वो उसकी माँ उसको मार देना चाहती थी इसलिए उसे नहीं मार पाई थी। आई थिंक ये सस्पेंस यहाँ नहीं खोलना चाहिए और हमें जरूर फीचर कल पहले और आगे मैं बताता हूँ। और सच्ची बात है कि दोनों भाई बहन है ही नहीं दोनों का। आपने अगर शीना वोरा या इंद्राणी मुखर्जी का जो केस अगर आपको पता है तो उनके जो दोनों बच्चे आपस में भाई बहन नहीं थे, उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी भाई बहन थे। तो उसी तरह से ये भी यहाँ भी ये दोनों इस तरह के भाई बहन है कि इनका कोई ब्लड रिलेशन आपस में नहीं स्थापित होता है। कोई प्रॉब्लम आपको आया? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। प्रॉब्लम में सिर्फ इतना सा था कि वो नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर उन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया था, बाद में वो भी साफ हो गया, उसके प्रोमो में साफ कर दिया गया और अब भविष्य में उसके टीवी पर उसका प्रोमो दिखाया जाना है कल से ही। इस फिल्म के हिसाब से इस फिल्म के हाईलाइट क्या है, आपका डायरेक्शन, सब्जेक्ट, स्टार कास्ट या क्या? नहीं, सबसे बड़ा हाईलाइट इसकी स्टोरी है सर, इसके संवाद है, इसकी स्टोरी है और एक नई तरीके से ड्रामा पेश हुआ है और ये सबको पसंद आएगा। आज जितने भी लोगों ने देखा है बहुत पसंद किया है और मैं समझता हूँ कि आगे भी ये जब तक चलती रहेगी फिल्म एक दूसरे की माउथ पब्लिसिटी से इसे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ये विश्वास है। भूतकाल में कौन कौन से फिल्में बनाई? हाँ, मेरे कुछ सीरियल्स आए हैं, कुछ फिल्म, मेरी एक फिल्म आई थी सर 95 में, जय माँ करवा चौथ उनका नाम था, उसका नाम था और वो इतना बड़ा हिट था, इतना बड़ा हिट था कि बम्बई के सिनेमाघरों में जहाँ पर करवा चौथ की इतनी मान्यता नहीं है वहाँ पर उसने थिएटर रिकॉर्ड बनाया था, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी जहाँ फिल्में 3 दिन चलती थी वहाँ फिल्म 30 दिन चली है, ऐसा उसका हश्र हुआ, इसका ऐसा उसका प्रतिसाद मुझे मिला। ग्लोबल वाले और गुप्ता जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है आपकी फिल्म में? एमएम मिठाई वाले, एमएम मिठाई वालों ने उन्होंने इसके प्रचार में भरपूर योगदान दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी वजह से ही आज ये इतने सारे सिनेमाघरों में देश में लग रही है, कम से कम 500 थिएटर्स को मिले हैं और ये उनकी वजह से ही ये सब संभव हो पा रहा है। उन्होंने बम्बई में 30 होर्डिंग्स लगाए हैं ताकि पूरे बम्बई को उन्होंने सरकार हाजिरों के नाम से रंग दिया है, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। आपने, हमने टाइटल में देखा कि उनका नाम भी एक निर्माता के इसमें है जी, तो क्या वो भी इसमें एज ए प्रोड्यूसर है, इन्वॉल्व है? हाँ, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर है सर वो, उन्होंने क्रिएट किया है, क्रिएशन किया है कि इसके प्रचार को जिस तरह से उन्होंने एक रूप दिया है, स्वरूप प्रदान किया है, वो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हमने सुना है कि बलात्कार के विषय को लेकर आप बहुत जल्दी अगली फिल्म लॉन्च करने जा रहे हैं, कहाँ तक सच है? जी सर, मैं सच्ची बात यह है कि राम रहीम और हनीप्रीत को लेकर मैंने स्टोरी उठाई है, उनसे कोई संबंध नहीं है लेकिन एक जस्ट एक आइडिया उनसे मैंने लिया है और मैं उसके ऊपर एक फिल्म बना रहा हूँ सरकार हाजिर 2, जो एमएम गुप्ता जी और संजीव गुप्ता ही उनके साथ मेरे साथ हैं, उनके साथ ही ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि एक साल के अंदर अंदर इसे रिलीज हो जाना चाहिए। स्टोरी जब सर ने मुझे सुनाया था, जब मुझे इस मूवी के बारे में बताया था तो मुझे ये बताया गया था कि सीना बोरा और आरुषि हत्याकांड के बारे में इसकी स्टोरी मुझे कुछ बताई थी, कुछ स्टोरीज की बताई थी, तो मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा। प्लस आजकल यही चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादातर लोग अभी आसिफा केस और इन सब चीज़ों के ऊपर लोग ज़्यादा विवाद कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि स्टोरी करना चाहिए, ज़्यादा पब्लिसिटी और प्लस एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना जो रियल में लड़कियों को लेकर हो रहे हैं इस जगह पर, और इंडियन पब्लिक सिर्फ आवाज़ उठाती है और उनके लिए कुछ करती नहीं, तो ये स्टोरी मुझे इसलिए अच्छी लगी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, बिल्कुल फैमिलियर था, ऐसा कभी लगा नहीं कि अननोन लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मुझे कभी ये भी नहीं लगा कि ये मेरी पहली मूवी है। दर्शकों को यहाँ पे एक अजीब चीज देखने, सुनने और पढ़ने मिल रही है, वो है भाई बहन का रिलेशन। तो हाउ यू फील, ये स्क्रीन पे आना चाहिए था, होना चाहिए था या करिश्मा ने क्या करिश्मा दिखाया है? ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं, बाकी आप लोग जब मूवी देखोगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा, यही तो सस्पेंस है यार। आप अपने को स्टार, अपने हीरो के बारे में क्या कहना चाहोगे मनोज?
ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने पहले भी काम कर चुका है, मतलब मेरी तो ये पहली मूवी थी, उन्होंने पहले भी काम किया है, तो उनके साथ काम करके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करूँ, मुझे लगा कि ये मेरा फ्रेंड है, मैं बहुत पहले से जानती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। डायरेक्टर मिस्टर व्यास के बारे में, सर तो बहुत अच्छे, यू नो व्हाट, आई फील कि ये मेरे फादर हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। लाइक नॉर्मली थिएटर, नॉर्मली शूट्स में क्या होता है कि लोग डायरेक्टर ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, इसे वैसे करना है, नहीं, बिल्कुल वो फैमिली के बच्चे नहीं समझ में आ रहा, इसको ये करो, इसको ऐसे बोलो, तो कभी फील नहीं हुआ। हर न्यूकमर हीरोइन जो पहली बार स्क्रीन पे आती है या तो बड़ा बैनर देखती है, बड़ा डायरेक्टर देखती है, बड़ा प्रोड्यूसर या बड़ा हीरो देखती है, पर इस चीज़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आपके करियर के लिए एक ठीक शुरुआत नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, आजकल आप लोगों को भी पता होगा बड़े बड़े हीरोज़ की मूवी फ्लॉप हो जाती है और जो नॉर्मल लोग शुरू कर रहे हैं उनकी फिल्म हिट हो जाती है, स्टोरी डिपेंड करती है। इस फिल्म से आपका भविष्य आपको कहाँ नज़र आ रहा है? फिल्म बहुत हिट होगी, बाकी आप लोगों के ऊपर है। कोई इसके अलावा कोई फिल्म कर रही हो ऑन द फ्लोर है? हाँ, मैं कुछ साउथ की प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और भी कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो सीक्रेट आप लोग। जो भी आता है वो साउथ का ही नाम लेता है, बंदर क्या बोलते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ के लिए बारे में कोई ना, तो मैं हिंदी प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मेरा जो साउथ का मैं बता भी नहीं रही हूँ अभी, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि साउथ के भी मैं कर रही हूँ, मेरा एक हिंदी प्रोजेक्ट सितंबर में रिलीज होने वाला है। जाऊँगा कि आप सबकी मेहनत और व्यास जी का प्रयास बहुत बहुत सक्सेस हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और ये फिल्म हिट हो, बस यही मेरी कामना। इस फिल्म को आपने क्या सोच के प्रेजेंट करने की कोशिश की, इसका सब्जेक्ट, इसके जो डायरेक्टर है वो या स्टार का? मैं व्यास जी को बहुत समय से जानता हूँ और व्यास जी जो भी काम करते हैं वो समाज और राष्ट्र हित में करते हैं। इन्होंने जो स्टोरी मुझे बताई कि कानून और सरकार के द्वारा समाज की बुराइयां दूर नहीं हो सकती, वो हम जनता की अवेयरनेस के द्वारा ही उन्हें दूर कर सकते हैं, यही सब्जेक्ट है और इसी के देखते हुए मैंने व्यास जी का साथ दिया। बस मेरी तमन्ना यही है कि अच्छी फिल्म आए और अच्छा प्रदर्शन करें और समाज को एक नया दिग्दर्शन करें। धन्यवाद। आज देश का माहौल और इस सब्जेक्ट पर जो है विषय, वो दोनों से आप कितने प्रभावित हैं? देश का माहौल इस समय चेंज हो रहा है, महिलाएं आगे आ रही हैं और महिलाओं को अगर सही मार्ग दिखाया गया तो निश्चित देश आगे जाएगा। इसमें व्यास जी और जो माहौल बना है उसको एक नई दिशा मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा। गुप्ता जी के सहयोग से आप कितने खुश और सेटिस्फाइड हो? नहीं, जहाँ तक गुप्ता जी के सहयोग की बात है, मैं गर्व के साथ इस बात को कहता हूँ कि मैं गुप्ता जी के साथ जुड़ा या गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े, तो आज इस भव्यता के साथ जो इस फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है, आज हमें पूरे देश में 500 थिएटर्स मिले हैं जिनमें हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। इस बॉम्बे शहर में, केवल इस बॉम्बे शहर को 30 होर्डिंग्स से सजाया गया है, लोगों की चर्चा का विषय बनी है फिल्म, तो ये सब गुप्ता जी के कारण ही संभव हो पाया है। धन्यवाद। मैं सवाल है गुप्ता जी, ये फिल्म इमरानी मर्डर केस पे मिस्ट्री पे बनी है, तो उसमें क्या था? मैं इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जानता, पर हाँ, रैप का या महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उसको कैसे जनता की जागृति के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा मिले, समाज को राष्ट्र दिशा मिले, उतना मैं जानता हूँ। जाना एक स्लोगन भी है, क्या आप सोच करते हैं कि नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, ये क्या है? नहीं, इसका जवाब ये मैंने देखा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये राजनीति या सरकार से इस फिल्म का कोई संबंध नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इस फिल्म में कहीं भी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी महिला ने, जो फिल्म का मुख्य पात्र हैं, उन्होंने इससे जब ये पूछा गया कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसे प्यार करती हैं, तब उनका जवाब था कि मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती हूँ, क्योंकि उनके काम करने का तरीका, उनका जो देश के प्रति समर्पण है,
वो मुझे बहुत पसंद है, और अगर इसे कोई व्यक्ति प्यार का नाम देता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन मार गया सर, क्या लिखा उसमें, क्या, एक मिनट पूरा सवाल, क्या लिखा उसमें, आपने क्या सोचकर कहा कि क्या, क्वेश्चन मार्क नहीं नहीं, क्या मतलब क्या कहा उस महिला ने, जो एक आज मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नाम पर गर्व कर रहा है, उन्हें प्यार कर रहा है, उन्हें पसंद कर रहा है। अगर कोई महिला ये अभिव्यक्त करती है कि साहब मैं उनके काम को पसंद करती हूँ, मैं उन्हें प्यार करती हूँ, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुरी बात है, पूरा देश उन्हें प्यार कर रहा है। थैंक यू।